रात के इस पहर लंदन में ना बंदा ना बंदे की ज़ात और आपका भाई आप लोगों के लिए रात के इस टाइम पे पागलों की तरह वीडियो बना रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग, सब ठीक है। आज हैं हम लंदन में, लंदन में हॉलीडे सीज़न चल पड़ा है। हॉलीडे सीज़न के साथ साथ यहाँ लाइटें होती हैं, लोग शॉपिंग करते हैं, ज़्यादातर लोगों के मूड अच्छे होते हैं जिनको गिफ्ट मिल रहे होते हैं, जिनकी जेबों से जा रहे होते हैं उनका थोड़े से मूड ऑफ होते हैं, लेकिन ओवरऑल एवरीवन इज़ हैप्पी। कोविड ख़त्म हो रहा है और इसके साथ साथ मैं लंदन आया हूँ एक काम से, और लंदन के अंदर आपको मज़े मज़े के खाने दिखाएंगे, मैं खाने खाऊंगा, आपको थोड़ा सा तरसाऊंगा, साथ साथ लंदन घुमाऊंगा। तो इसी नोट के ऊपर लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड एज ऑलवेज लेट्स गो। यकीन करें आप लोगों से इतना प्यार है कि सोए नहीं, रात के 1 बजे आपको व्लॉगिंग करके लंदन के नज़ारे दिखा रहे हैं। अब केस मार के सोते हैं, कल बात होती है। माय गॉड, एक रात के लिए 200 यूरो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, लंदन के एक स्टूडियो अपार्टमेंट से आपको मेरा गुड 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 मॉर्निंग। आज आपको लेके चलेंगे बाहर, नाश्ता कराएंगे, मजे मजे की चीजें दिखाएंगे, पर उससे पहले मेरे जहन में एक कश्मकश चल रही थी कि मैं हमेशा ये वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ या अपने लिए बनाता हूँ, और बहुत ज्यादा सोचने के बाद मुझे यही अंदाजा हुआ है कि मुझे मिक्स करना चाहिए, थोड़ा सा अपने लिए, थोड़ा सा आपके लिए, थोड़ा सा उन लोगों के लिए मेरी तरह जो आर्टिस्टिक क्रिएटिव शॉर्ट्स देखना चाहते हैं, पर आप लोगों की तरह भी जो जरा फनी चीजें देखना चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन भी लेना चाहते हैं। सो कोशिश करूंगा आज जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकूं, जितने जोक्स वगैरह मार सकूं, लेकिन अभी तैयार शहर होंगे, देख रहे मेरे बाल चाल भी इतना नहीं बने हुए। उसके बाद नाश्ता करने जाएंगे, यहाँ पता नहीं क्या कॉफी शॉफी मिलती है, मुझे नान चने तो मिलने नहीं क्योंकि मैं सेंट्रल लंदन के अंदर हूँ। कोई इंग्लिश ब्रेकफास्ट वगैरह दिखाते हैं आपको, शायद स्टारबक्स जाऊँ, शायद कॉस्टा जाऊँ, लेट्स सी। नाश्ता करने चलते हैं, आ जाओ। कमरे से निकलते निकलते अभी सुबह के 8 बज गए, जो मैंने काम पे जाना है वो सुबह 9 बजे, देखते हैं अभी जल्दी से कोई कॉफ़ी पकड़ते हैं। मेरा माशाल्लाह ये सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के बुरा हाल हो गया, मेरा 4वें फ्लोर पे अपार्टमेंट था। I'm sorry? No, I'm not from here. Sure. लंदन की गेमा गेमी और बंदा अपनी दौड़ में लगा हुआ, ज़्यादातर लोग अपने कामों पे लेट हो रहे हैं, हर बंदा भाग रहा है। कॉस्टा की पकड़ी है कॉफ़ी, साथ एक सैंडविच, नाश्ता करेंगे, साथ साथ लंदन दिखाएंगे आप। यार लंदन लाइफ, हर बंदा अपनी गेमा गेमी में लगा हुआ है, दौड़े लगा रहा है अपने कामों के लिए। सैंडविच मैंने थोड़ा सा खाया, अभी जूस फुड़का दिया, लोग हर जगह अपने कामों पे जा रहे हैं और मैं भी काम से जा रहा हूँ। हाँ जी भाई, देखो हमारे साथ कौन है, हेलो कर दो। हेलो। जो मुस्कुरा रहे हैं बहुत ज़्यादा, अभी हम खेल घूम रहे हैं लंदन की गलियों में, ये देख लो भाई का फ्लो चेक कर लो, 30 30। अब यहाँ ये पाकिस्तान भी होता है जिसका मैंने हाथ रख लिया ना, यहाँ लोग देख रहे होंगे कि पता नहीं कौन है, पर चलने दो चलने दो, ऐसे ही चलने दो। ये भाई फ्लो है 40 वीडियो बनाने के बाद। अभी हम जा रहे हैं एक स्टेक स्टुक खाने, स्टेक अगर मिल गया तो, नहीं मिलेगा तो कोई और चीज़ खा लेंगे, जो मिल जाएगा खा लेंगे, जो मिल जाएगा खा लेंगे। बस आ गई हमारे साथ जी भाजी भाई जी। तो कैसा लग रहा है आपको लंदन? गुजारा कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। सच ना बोल देना आप। बोलना अलाउड नहीं है वीडियो। सारों ने देखनी है वीडियो, अभी तो हम देख रहे हैं लंदन में अभी क्या ठंड है, थोड़ी सी पाकिस्तान के हिसाब से ठंड है, जो लोग रहते हैं हमारे हिसाब से लगती है। नहीं मतलब पेंडू कह रहे हो, अच्छी बात है, अच्छी बात है तुमने बोल दिया, मुझे तो नहीं लग रही ठंड, देखो मैं तो एंजॉय कर रहा हूं। भाई ने हाथ अंदर घुसा के डाले में और भाई को ठंड नहीं लग रही। क्यों नहीं ब्रो, क्यों नहीं, लंदन आ गई तो ठीक है, हर चीज कवर कर दी है। अल्लाह हाय हाय, ठंड में घूम रहे हैं इधर, रोटी की तलाश पे लोहरी, क्योंकि लोहरी तो सिर्फ रोटी खाते हैं, सिर्फ रोटी जा मिल जाए। बाहर जाते सार ही हम यही देखते हैं कि भाई
खाना क्या है? पहले पैसे इकट्ठे करें। हाँ, पहले पैसे इकट्ठे हो गए, अब खाना खाने चलते हैं। 500 रुपया 5,000 है, उधर से आपने रोटी मिल जाएगी। चलो बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, आपकी क्या है सर? मेरी रिब आए हैं। और आपकी क्या है? मेरी लैम चॉप्स हैं। लैम चॉप्स आ गई। और मेरा भी, मेरा डेलस स्टेक है। और अभी किधर गया? और अभी आपको खा के बताते हैं, दिखाते हैं। है वो अभी बताएंगे कैसा है। टीटो पटीटो है जी भाई। ऑनेस्ट रिव्यू, ऑनेस्ट। वहाँ भाई आप बताओ। इट वाज रियली ग्रेट, मोर देन माय एक्सपेक्टेशंस। रियली लैम चॉप्स मजे की थी। बहुत मजे की थी। और सॉसेस, सारी गेम ही उसकी सॉसेस की थी। सही कह रहे हैं या बस क्योंकि आप उनमें भी जा सकते हो भाई जान। भाई यूके, यूके पर्सन जी। आपको कैसा लग रहा है? गुड गुड, मेरा तो मजे का था, आपका नहीं मुझे पता। तेरा गुड मुझे कन्विंसिंग गुड क्यों नहीं लग रहा? और देख तो सही था, कन्विंसिंग नहीं था। इसका दिल करे पाकिस्तान से कुक भी ले आए अपने। कुक भी ले आए अपने लिए, शुक्र अदा किया करो जो मिल जाए भाई। तो भाई लंदन की लंदन की सड़कों पे फिर रहे हैं हम, अपने भाइयों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। और आपको मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इन भाइयों के साथ। थैंक यू, टेक केयर। चलो बाय बाय कर दो घर वालों को। तुम्हारा भाई इतना को थका है ना, सोच है अभी सारा दिन एक काम से गया हुआ था बाहर, और अभी रात में आपको लंदन दिखाएंगे, यहाँ के थोड़े से रेस्टोरेंट वगैरह दिखाएंगे। पर उससे पहले ये अनबॉक्सिंग है। अनबॉक्सिंग के लिए हमने लिया है ये जोबी का गोरिल्ला पॉड 5K। ये ऑब्वियसली मेरा जो ये बीस्ट कैमरा है, द लव ऑफ माय लाइफ राइट नाउ, मैं लुमिक्स GH5 ये उसके लिए होगा। कि अनबॉक्सिंग तो करने में बैठ गया हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन बिल्कुल प्रिपेयर नहीं हूँ मैं। तो लेट्स डू द अनबॉक्सिंग लाइक दिस। ओह तो जहाज है ये तो बहुत भारी है, कम से कम 1-2 किलो का तो जो भी होगा। अभी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। KNF वालों की मैंने ये डिफ्यूजन फिल्टर्स लेके ले आया हूँ। एक है 1x8 और एक है 1x4 ब्लैक डिफ्यूजन फिल्टर्स। और अभी आपको इसके कारामात दिखाते हैं। हाँ जी, जो भी को पहला बार उठा रहे हैं और बहुत भारी है। यकीन करो बहुत भारी है। कम से कम मैं अगर राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से इसे उठाऊंगा ना तो मेरे मसल बन जाएंगे। अब जाते हैं बाहर, जो भी को कर लिया सेटअप, और साथ साथ ये 1x4 का डिफ्यूजन फिल्टर भी लगा दिया है। होपफुली थोड़ी सी सिनेमैटिक लुक्स आ रही होंगी, पर अभी बाहर जाकर अब दुके दिखाते हैं और भी ज़्यादा सिनेमैटिक सीन्स। जा रहे हैं अभी नीचे, अभी देखते हैं रात में क्या खाते हैं। देर तो हो गई थोड़ी सी, फिर भी कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ मिल जाए खाने को। लंदन को आपको सैर करेंगे, साथ साथ ये डिफ्यूजन फिल्टर भी अपना टेस्ट मानेंगे कि इसके ऊपर जितनी भी लाइट है वो कितनी प्यारी, कितनी जगमग लग रही है। अभी चलते हैं बाहर, थक गए हैं पर व्लॉगिंग तो करनी है ना। यही ग्लो जो आपको नज़र आ रही है ना हर चीज़ में, ये है डिफ्यूजन फिल्टर की गेम। हर चीज़ थोड़ी सी ग्लूमी ग्लूमी नज़र आती है। दिन में तो ऑब्वियसली एनडी फिल्टर लगाते हैं जो एक सन ग्लासेस की तरह होते हैं, और रात में डिफ्यूजन फिल्टर चलता है। रात के इस टाइम पे 6 डिग्री हो रही है, इधर हवा चल रही है ऐसा ऐसा। मैं फैरिंगटन स्टेशन के पास हूँ एंड द सर्च फॉर हलाल फूड कंटिन्यूज की तरह फैरिंगटन।
Yeah. मसला ये रात के 11 बजने वाले हैं और खाने को कुछ मिल नहीं रहा मुझे। गोल्डन रैमजी का बर्गर है ये, ना बंदा ना बंदे की जात, हलाल तो होगा नहीं गोल्डन रैमजी का बर्गर। देखते हैं अभी आगे। आई एम जस्ट हैप्पी कि मुझे अपना डिफ्यूजन फिल्टर टेस्ट करने के लिए परफेक्ट मौसम मिल गया, क्योंकि यहाँ थोड़ी थोड़ी धुंध हो रही है। यूके के 11:20 हुए हैं और धुंध के अंदर ये डिफ्यूजन फिल्टर अपना और काम दिखाता है। इतना प्यारा लग रहा है सारा इंतजाम, यहाँ की ब्लैक कैब भी जा रही है। एंड द ब्लॉग कंटिन्यूज, खाना ढूंढते हैं, गोइंग टू टिंजल्टन। तो टिंजल्टन जाएंगे अभी, कितने मिनट कह रहे हैं? शुक्र है 3 मिनट है अभी। अल्लाह अल्लाह करके टिंजल्टन आ गए, खाना मिल जाए इधर। तो हम आए टिंजल्टन एंड आई हैव दिस वेरी नाइस person serving me today, and we're having, what are we having today? We'll have a portion of loaded piri fries and one beef the don burger, the best seller from us, the best from Tinseltown. Would you like to milkshake the same? Sure, surprise me. VIP ambassador. Yes, okay. VIP ambassador. ye andar se waise hai American style mein thoda sa banaya hua hai, पर अगर फैरिंगटन स्टेशन के पास हो तो इधर आ जाओ, हलाल खाना है और मज़े का भी लग रहा है। भाई ये बंदा किस किस से नहीं मिला, ये भाईजान आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, शाहरुख खान, सारों के साथ फ़ोटो लगाई हुई भाईजान ने। तो कौन है भाईजान? मुझे उन्होंने कहा यहाँ सामने बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ ज़्यादा अच्छी लाइट है, तो यहाँ बैठेंगे साथ साथ खाएँगे, साथ साथ आपको रिव्यू देंगे। मैं इसको टिंजल्टन बोल रहा था, ये एक्चुअली टिंजल टाउन है, और टिंजल टाउन में आप देख सकते हैं ये लोडेड फ्राइज़ वगैरह होते हैं इनके पास बर्गर्स वगैरह होते हैं। जो मैंने ऑर्डर किया है वो है द डॉन। नमस्ते मिल्कशेक। थैंक यू सो मच, वेलकम, एंजॉय। मुझे लगता है पूरे दिन की भूख मेरी जो है ना आप जाके मिटेगी। ये बर्गर जो लग तो छोटा रहा है, पर शुक्र है सर फ्राइज मंगा लिए हैं, और ये मिल्क शेक तो मजेस्टिक लग रहा है। यकीन करो मिर्चों वाले फ्राइज खा रहा हूँ मैं, हेलापीनो और पता नहीं हॉट सॉस क्या डाला उन्होंने ऊपर। ये फ्राइज खाए, ये मिल्क शेक की सिप भी, जन्नत। यही सेम चीज़ें अगर बर्गर वगैरह मैं लूँगा बेल्जियम में तो ये 10 यूरो का मिलेगा, यहाँ काफ़ी चीज़ें 5 पाउंड्स के अंदर आ जाती हैं। आज मैंने जो लिया है बर्गर वगैरह और साथ लोडेड फ्राइज और इनका कोई एम्बेसडर मिल्क शेक है, ये सारा पड़ा मुझे 22 पाउंड्स में। वैसे ही नहीं है कि इतना हैवी है ये कि अभी आधा बर्गर पड़ा है, ये फ्राइज भी पड़े हैं, तो मिल्क शेक तो वहाँ पर पूरा पड़ा है, और मेरी बस हो गई है। अब इसको पैक कराऊंगा, अपने कमरे जाऊंगा, आपको थोड़े से और सैर कराऊंगा, फिर अल्लाह हाफिज़ करेंगे। टिंजल टाउन, हाय हाय, टिंजल टाउन है इधर एक बेसमेंट में, हाईली रिकमेंडेड। फैरिंगटन स्टेशन के पास अगर हो तो इधर ज़रूर आके ट्राई करना, किधर है यहाँ टिंजल टाउन, ज़रूर आना, हलाल खाना, अमेजिंग। बाबा था गया, बाय बाबा। रात के बज गए हैं 12:05, अब सोएंगे और आपको फिर किसी दिन मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, लंदन से आपको इस छोटे से ब्लॉगर का, छोटे से यूट्यूबर का सलाम, जहाँ से भी देख रहे हैं दुनिया से खुश रहें, अपना ख्याल रखें, लाइक सब्सक्राइब कर दें, थोड़ी मेहरबानी अगर दिल करे थे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपको? लंदन में सैर करवाएंगे,
इधर खाने खाने मज़े मज़े खाने खाने, आपको यहाँ के मज़े मज़े खाने दिखाएंगे और मेरे साथ चलें एज यूजुअल, लेट्स गो। और इसी तरह आप व्लॉग को लेके चलते हैं आज, एंड एज यूजुअल लेट्स गो।